तो शुरू करते हैं आज की ये क्लासेस। चलिए वेलकम टू सारासास क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन टॉपिक के ऊपर में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 लेवल में। क्लास 12 में नरेशन के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा नहीं कि आप क्लास 10 में जो छोटे मोटे क्वेश्चंस करके आए हैं, 9 में जो छोटे मोटे क्वेश्चंस करके आए, ऐसा नहीं। यहाँ पे थोड़ा तगड़ा तगड़ा कहा जाएगा ना इस चीज को, थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन से मिलेगा और तगड़े चीज को करने के लिए आपका बेस तगड़ा होगा। अगर आपका फाउंडेशन तगड़ा नहीं हुआ तो फिर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आप नहीं बल्कि क्वेश्चन आप दिखा देते। तो चलिए पढ़ते हैं नरेशन। मैं इतना डिटेलिंग में जाऊंगा नहीं कि नरेशन क्या है या फिर नरेशन का प्रॉपर मीनिंग क्या है, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलो अब नरेशन की पहचान करते हैं। अब क्या करते हैं, नरेशन की पहचान करते हैं। डायरेक्ट नरेशन कैसा है दिखने में, या उसके बाल लंबे हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं, या फिर मोटा है, या फिर पूरा पतला है, तो पहचान करते हैं। चलो देखते हैं नरेशन की पहचान करते। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा ना बेटा, ये एक सेंटेंस है पूरी तरीके से, और ये एक डायरेक्ट नरेशन। क्या नरेशन है? डायरेक्ट नरेशन। क्यों डायरेक्ट नरेशन है सर? देखिए, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में दो सेंटेंस होते हैं जिसमें कि दूसरा सेंटेंस कभी कभी पहले भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर सेकंड सेंटेंस, दूसरी सेंटेंस हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होता, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होता। तो स्पष्ट हो चुके हैं कि हम डायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या होता है, वो सेंटेंस जहां पे दो सेंटेंस हो और दूसरा सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो। और ज्यादा इसमें मैं ग्रामर का लैंग्वेज में बोलना नहीं चाहूंगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा या फिर समझने में समय लगेगा। गेटिंग द पॉइंट? और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? इसका विपरीत होगा, जिसमें कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, जिसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाता है, हट जाता है। तो काफी बेहतरीन हिसाब से मुझे लगता है कि आप इन बातों को समझ रहे हो। तो देखिए भाई, कुछ पार्ट्स के लेते हैं, जैसे कि मैं एक बॉडी हूँ, मेरा बॉडी का पार्ट्स है फिंगर्स, हैंड्स, शोल्डर्स, चेस्ट। तो ये एक सेंटेंस है, डायरेक्ट नरेशन है, इसका भी तो कुछ कुछ पार्ट्स होगा। तो देखिए मैंने क्या कहा, डायरेक्ट नरेशन में दो सेंटेंस होते हैं, एक होता है कॉमा के अंदर और दूसरा कॉमा के बाहर। अब सेंटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? जहां पे एक सब्जेक्ट होता है, क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट। जहां पे एक हेल्पिंग वर्ब होता है या मेन वर्ब होता है, जहां पे एक ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो सर आपने कहा ये भी तो एक सेंटेंस है, तो भाई सेंटेंस में तो सब्जेक्ट तो होना ही है सर, फिर यहाँ पे एक वर्ब होना ही है सर, और ऑब्जेक्ट तो सर होना ही। तो यहां से पता चलता है कुल मिला के डायरेक्ट नरेशन में दो सब्जेक्ट्स मिलेंगे, एक कॉमा के अंदर एक कॉमा के बाहर, एक दो भाग मिलेंगे, एक कॉमा के बाहर एक कॉमा के अंदर, और ऑब्जेक्ट्स या फिर अदर वर्ड कह सकते हैं इसको, मिलेंगे दो भी मिल सकते हैं, दो से ज्यादा भी मिल सकते हैं, उसमें चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट। ओके चलो अब पार्ट्स को देखते हैं। ये जो पूरा ये जो बाहर वाला सेंटेंस है ना, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और अंदर वाला सेंटेंस जो है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो भाई, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टर कहते हैं, वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इतना तो समझ में आएगा, आप तो खुद से नोट कर देना। अब देखो भाई, ये रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ये सब चीज आप लोग याद कर लेना, हालांकि ये याद करना जरूरी है, लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाए, इसलिए ज्यादा इंपोर्टेंस ना देना, बस समझ याद रखना कि इसे ये कहा जाता है। ओके चलो बेटा, अब इंपोर्टेंट चीज क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते 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 एक चीज यहाँ पे इंपोर्टेंट कुछ लिखा गया है, आइए पढ़ लेते हैं। नोट, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। देखो बेटा, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि क्या? रिपोर्टेड स्पीच हमेशा क्या से शुरू होता है? कैपिटल लेटर। क्या से शुरू होता है? कैपिटल लेटर। ये गलती ना करना, बहुत बच्चे लोग गलती करते हैं, लेकिन जब भी आप डबल इनवर्टेड कॉमा से शुरू करोगे, और याद रखो नया सेंटेंस शुरू हो रहा है तो कैपिटल से तो शुरू करोगे। यस, इस चीज को गलती ना करना, और बाकी तो सब ठीक है। ओके अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते जाओ तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के रूल्स। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन को जब हम लोग चेंज करते हैं तो क्या क्या नियम होते हैं? देखो बेटा, दो नियम होते हैं, एक जनरल रूल्स सामान्य नियम,
एक स्पेशल रूल, विशेष नियम, समझ में आया? एक कौन सा जनरल नियम और एक स्पेशल नियम होते हैं। तो वो सारी चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के क्लास में, बस ध्यान रखना कि कुछ चीज छूटेगा, ओके? ये सब बाद में पढ़ेंगे, ये अभी पढ़ने की चीज नहीं है। चलिए, तो पहला जनरल रूल्स यानी कि सामान्य नियम पढ़ते हैं। सामान्य नियम क्या कहता है हमको कि नरेशन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करोगे या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करोगे तो तीन चीजें बदलते हैं। पहला बदलता है चेंज ऑफ टेंस, टेंस बदलता है। एक सिंपल उदाहरण दूं तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास बन जाता है। सिंपल पास क्या बन जाता है? सिंपल पास पास गेटिंग द पॉइंट। तो टेंस चेंज होता है, ये तो आप लोग हालांकि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। चेंज ऑफ पर्सन यानी कि चेंज ऑफ पर्सन का मतलब होता है ना, देखो कभी कभी आई मी बन जाता है, आई ही बन जाते हैं अचानक अचानक। तो ये सारा चीज जो होता है इसे कहता है चेंज ऑफ प्रोनाउन कहता है। क्या कहता है? चेंज ऑफ प्रोनाउन। वो केस के मुताबिक चेंज होते हैं और पर्सन के मुताबिक चेंज होते हैं। तो उन सारे चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। बस आपको जानना जरूरी है कि साधारण नियम हमें इतना ही सिखाएगा, पूरा नरेशन नहीं सिखाएगा, इतना ही सिखाएगा कि किस तरीके से टेंस को चेंज किया जाए और पर्सन को चेंज किया जाए और फिर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि टुडे डेट डे हो जाता है, नाउ देन हो जाता है, टुमोरो द नेक्स्ट डे हो जाता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे हो जाता है। तो ये सारे कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे चेंज होंगे, इन सारे चीजों को सिखाते हैं। तो बताओ बच्चों कि जनरल रूल्स हमें क्या सिखाता है, कितने चीजों को चेंज करना पड़ेगा सिखाता है। पहला क्या है? चेंज ऑफ टेंस। दूसरा? चेंज ऑफ पार्ट्स। और तीसरा? अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई थिंक यू आर ऑल क्लियर, राइट? तो अब पहले सीखते हैं कि टेंस को कैसे बनाया जाता है। चलो बच्चों।